दी ललन टॉप के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। लॉकडाउन के वक्त फिल्मों की रिकमेंडेशंस की बाढ़ है, हम भी एक नई रिकमेंडेशन लेकर आ गए। खासियत क्या है इसमें, जो फिल्म का केंद्रीय किरदार है, लीड कैरेक्टर, वो लॉकडाउन की कंडीशन में है। ये कोरोना वाला लॉकडाउन नहीं है, अलग अलग वजहों से वो अलग अलग हालातों में फंसे हुए लोग हैं। कहीं पर कॉमेडी है, कहीं पर ट्रेजेडी है। क्या है इस लिस्ट में, आपने कितनी फिल्में देखी हैं, जो नहीं देखी हैं वो कहाँ देख सकते हैं, हम बताएंगे। ये लिस्ट तैयार की है हमारे साथ ही विजेता दहिया ने। लिस्ट में पहला नाम पैसेंजर्स, 2016 में आई फिल्म। क्या है प्लॉट, एक कंपनी का स्लीपर शिप एवलॉन वो निकला है दूसरे ग्रह पर जाने के लिए। सभी पैसेंजर्स हाइबरनेशन में है, यानी कई बरसों के लिए सोए हुए हैं, लेकिन कुछ तकनीकी समस्या के चलते जिम पहले जाग जाता है। ये पहले कितना पहले है, दूसरे ग्रह पर पहुंचने से 90 बरस पहले। अब वो अकेला है और अकेलेपन से बचने के लिए वो क्या करता है, वो ऑरोरा को भी जगा देता है, यानी एक लड़की को जगा देता है। आगे क्या होता है आप देखेंगे, साइंस फिक्शन का रोमांटिक एंगल। इसके डायरेक्टर हैं मॉर्टन टिल्डम, इसको आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। दूसरी फिल्म है 2000 में आई कास्टअवे। फिल्म का प्लॉट क्या है, प्रोटैगनिस्ट है चक, वो डिलीवरी सर्विस कंपनी फेडेक्स के लिए काम करता है। वो मलेशिया जा रहा है, तभी उसका प्लेन क्रैश होकर प्रशांत महासागर में गिर जाता है। जब चक को होश आता है तो वो एक आइलैंड पर है, वहाँ कोई नहीं है। अब उसे जीने के लिए आदि मानव की तरह सफ़र शुरू करना है और उसकी मदद के लिए केवल फेडेक्स के कुछ पैकेज हैं। रॉबर्ट जेमेकिस की ये फिल्म, रॉबर्ट ने ही फॉरेस्ट गंप जैसी कमाल की फिल्म बनाई थी। इस फिल्म में टॉम हैंक्स की एक्टिंग अल्टीमेट है, इसे देखकर आप बहुत इमोशनल होने वाले हैं। इसे भी आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। लिस्ट में तीसरी फिल्म है 1999 में आई कॉन। प्लॉट क्या है, बारिश हो रही है, शहर में एक साइकोपैथ किलर घूम रहा है और लड़की घर में अकेली है, और तभी दरवाजे पर खटखट होती है, कौन है। डायरेक्टर इस फिल्म के राम गोपाल वर्मा, ये उनकी वन ऑफ द बेस्ट फिल्मों में एक है। सस्पेंस और हॉरर ऐसा कि इसे देखते हुए आप अपनी जगह से नहीं हिल पाएंगे। मनोज वाजपेयी, सुशांत सिंह और उर्मिला मातोंडकर की कमाल की एक्टिंग, इसे आप यूट्यूब पर खोज कर देख सकते हैं। चौथी फिल्म है 127 आवर्स, 2010 में आई ये फिल्म। प्लॉट क्या है, 127 घंटे, यानी लगभग 5 दिन से ज़्यादा। एक लड़का है जो दो चट्टानों के बीच अकेला फंसा है, जिंदा रहने के लिए आखिरी लड़ाई लड़ता, ये उसकी कहानी है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है डैनी बॉयल ने, वही डैनी बॉयल जिन्होंने स्लम डॉग मिलियनेयर बनाई थी। मोटिवेशनल फिल्म है और इसके म्यूजिक के लिए यार रहमान ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुए थे और उन्हें जय हो के लिए तो ऑस्कर मिला ही था। इसे आप यूट्यूब पर देख सकते हैं, OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी है। पांचवी फिल्म दिस इज नॉट अ फिल्म, जी ये फिल्म का टाइटल है, दिस इज नॉट अ फिल्म, 2011 में आई है। क्या प्लॉट है, अपने घर में कैद जफर पनाही कैमरा उठाकर शूट करते हैं उनकी जिंदगी का एक दिन, शहर में बिगड़ते हालात, कोई घर में फंसा है कोई बाहर। डायरेक्टर कौन है, वही जिनका आपने नाम सुना, ईरान के मशहूर फिल्म मेकर जफर पनाही। उन्होंने ये फिल्म बनाई थी ऑफसाइड। सवाल किया कि लड़कियों को फुटबॉल मैच देखने की परमिशन क्यों ना हो। फिर अगली फिल्म थी क्रिम्सन गोल्ड, इसमें गरीबों के हक की बात की। ईरान की मुस्लिम राइट विंग सरकार को ये सब रास नहीं आया और उन्हें उनके घर में बंद कर दिया 6 बरस के लिए। ऊपर से 20 साल तक फिल्म बनाने पर बैन लगा दिया। घर में बंद होने की उनकी छटपटाहट दिखती है इस फिल्म में, दिस इज़ नॉट अ फिल्म में। टाइटल बहुत कुछ कहता है, बहुत ही पर्सनल फिल्म है और बहुत ही पॉलिटिकल भी, एंड पर्सनल इज़ द बिगेस्ट पॉलिटिकल। इसे आप डिज्नी हॉटस्टार पर देख सकते हैं। छठवीं फिल्म है 1980 में आई द शाइनिंग। इसका प्लॉट क्या है, एक लेखक को एकांत चाहिए अपनी किताब लिखने के लिए। अपनी पत्नी और बेटे को लेकर वो एक होटल में चला जाता है। होटल बिल्कुल खाली है और वो खालीपन उस लेखक के दिमाग पर असर करने लगता है। और उसका बेटा, उसने रहस्यमयी दोस्त बना लिया है। डायरेक्टर स्टैनले क्यूब्रिक की ये फिल्म, ये फेमस राइटर स्टीफन किंग की बुक पर बेस्ड है। लीड रोल में है जैक निकल्सन। हॉरर फिल्म है लेकिन बहुत आर्टिस्टिक भी, यानी कि एक रेयर कॉम्बिनेशन। इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। सातवीं फिल्म लाइफ ऑफ पाई, 2012 में आई। प्लॉट क्या है, एक चिड़ियाघर का मालिक अपना घर शिफ्ट कर रहा है समंदर के रास्ते, तभी तूफान आता है और सब खत्म हो जाता है, लेकिन एक लड़का बच जाता है। वो समंदर के बीच नाव पर फंसा है और उसके साथ एक बाघ भी है। एंग ली फिल्म के डायरेक्टर हैं और इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट डायरेक्टर का ऑस्कर मिला था।
ये फिल्म यान मॉर्टल के बुकर प्राइज जीतने वाले नॉवल पर बनी है। देखने में विजुअली स्टनिंग है, सोचने में फिलोसॉफिकल और महसूस करने में स्पिरिचुअल। कहाँ देख सकते हैं आप? डिज्नी हॉटस्टार पर भी और यूट्यूब पर भी। आठवीं फिल्म है बरीड। 2010 में आई ये फिल्म बरीड। प्लॉट क्या है? पॉल है, उसे होश आता है, अंधेरा है, कुछ नहीं दिखता, उठ नहीं पा रहा, याद करने की कोशिश कर रहा है। क्या याद आ रहा है? कुछ टेररिस्ट से उसका मुकाबला हुआ था, फिर उसके सर पर पत्थर लगा था। तभी फ़ोन बजता है। कहा जाता है कि रात 9 बजे तक $5 मिलियन का इंतज़ाम कर लो, वरना वहीं छोड़ दिए जाओगे। कहाँ छोड़ दिए जाओगे? ज़मीन के अंदर ताबूत में। जी, पॉल एक ताबूत के अंदर है। उसके पास केवल एक मोबाइल फ़ोन और एक लाइटर है। क्या वो बच पाएगा? क्या वो इस बरीड कंडीशन से बाहर निकल पाएगा? ये आप फिल्म में देखेंगे। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है रोड्रिगो कोर्टेस ने और इसे आप हुलू पर देख सकते हैं। ये हमारी आज की लिस्ट। आपको भी अपनी लिस्ट बनानी है, कमेंट बॉक्स में बनाइए, सबके साथ शेयर करिए। देखते रहिए लल्लन टॉप। विदेश में रहते हैं और आपके इलाके तक पहुंचा है कोरोना वायरस का असर, कैसे हैं हालात, उस देश की सरकार ने उठाए हैं क्या कदम और आप खुद कैसे कर रहे हैं कोरोना वायरस को डील, अगर सब तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं तो बनिए दी लल्लन टॉप की कोरोना डायरीज का हिस्सा। अपना वीडियो बनाइए, ड्यूरेशन मात्र 3 मिनट। वीडियो की शुरुआत में अपना नाम, काम, उम्र और पता बताइए, फिर बताइए अपना अनुभव। अपने अलावा थोड़े आसपास का माहौल भी दिखाइए, चाहे बालकनी से वीडियो बनाइए या दिखाइए कि कैसा है आपके दफ्तर का सीन। और वीडियो भेजने का पता है coronadiariesLT@gmail.com। आपकी बात को दुनिया तक पहुंचाएगा और कोरोना डायरीज को वायरस से लड़ाई का हथियार बनाएगा आपका दोस्त दी लल्लन टॉप।